हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। हत्या के अपराध करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार। दिनांक 25/5/2020 को वादी मिथिलेश सिंह पुत्र श्याम नारायण सिंह निवासी ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर सूचना दी कि पुरानी रंजिश व प्रार्थी द्वारा अपनी जमीन पर स्वयं द्वारा मिट्टी पाटने की विवाद को लेकर दोपहर करीब 1 बजे विपक्षी गण द्वारा गाली गलौज देते हुए मेरे घर में घुसकर मुझे व मेरी पत्नी को मारने पीटने लगे। मेरे शोर मचाने पर अगल बगल के कुछ लोग हमें बचाने के लिए आए तो इतने पर विपक्षी गण अपने साथियों द्वारा गड़ासा कटारी व असलहा ईंट पत्थर से लैस होकर मेरे घर में घुस आए और मुझे बचा रहे लोगों को जान से मारने की नीयत से हमला कर दिए, जिसे मौके पर बीच बचाव करने आया अनिल सिंह पुत्र पलकधारी सिंह, योगेंद्र सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह, संजय सिंह पुत्र राज बहादुर सिंह इत्यादि लोग धारदार हथियारों से गंभीर चोट लगने के कारण व सिर पर चोट लगने के कारण मौके पर बेहोश हो गए। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर धारा 147, 148, 149, 307, 308, 504, 323, 452 थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ त्रिवेणी सिंह ने उक्त प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी दीदारगंज को हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आजमगढ़ नरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक क्षेत्र फूलपुर जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में आज दिनांक 27/5/2020 को सज्जन राम मय हमरियान के कोरोना वायरस COVID-19 के संबंध में प्रचलित लॉकडाउन का अनुपालन कराने हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि 89/20 से संबंधित सदा वृक्ष यादव पुत्र छोटई यादव, नंदलाल यादव पुत्र निठुरी यादव, अभिषेक सिंह उर्फ सेरू सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी गण आम गांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पुलिस राजकीय पशु चिकित्सालय के पास खेतासराय जाने वाले मार्ग के बाई पटरी पर खड़े हैं, सवारी का इंतजार कर रहे हैं, कभी भागने की फिराक में है, जल्दी किया जाए तो पकड़े जा सकते हैं कि मुखबिर की बातों पर विश्वास करके थाना मनसा से हमराही कर्मगढ़ को अवगत कराकर मैं हमराही कर्मगढ़ मैं सरकारी जीप मैं मुखबिर खास के स्थान पर पुरेश चौराहे के पहली ही सरकारी जीप को रोककर चालक को जीप की सुरक्षा हेतु छोड़कर मैं हमराही मुखबिर खास के पैदल चलकर छिपते छिपाते पुलिस चौराहे के पास पहुंचे कि मुखबिर खास में इन व्यक्तियों की ओर इशारा करके हट बढ़ गया कि हमरा ही की मदद से एक बारगी दबिश देकर उन तीनों व्यक्तियों को खेतासराय जाने वाले मार्ग के पूर्वी पटरी पर पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सदा वृक्ष यादव पुत्र छोटेलाल, दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नंदलाल यादव पुत्र स्वर्गीय निठुरी यादव, तीसरे ने अपना नाम अभिषेक सिर्फ उर्फ सेरू सिंह पुत्र रमेश सिंह सकीनान आमगांव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया। चूंकि उपरोक्त थाना स्थानीय के धारा 147, 148, 149, 307, 308, 504, 323, 452 में नामजद वांछित है, अतः कारण बताकर समय 4:10 पर हिरासत में पुलिस ने लिया। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया गया, अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दीदारगंज की घटना है, दीदारगंज थाना क्षेत्र की ये 24 तारीख की घटना है, दहेज को लेकर के, क्योंकि गाड़ी दहेज में नहीं मिल रही थी इसके वजह से तरह तरह से लड़की को प्रताड़ित करते थे और लड़की को और 11 महीने के बालक को दोनों का मर्डर करके और उससे छत से लटका दिया गया था। वो देखते ही लग गया था कि ये मर्डर है, बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया, पोस्टमार्टम से ये जानकारी हुई कि थ्रॉटलिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों का गला दबा करके मार के छत से लटका दिया गया था। उसमें तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए, ससुर, लड़का और उसकी माँ। दीदारगंज की घटना है, दीदारगंज थाना क्षेत्र की ये 24 तारीख की घटना है, दहेज को लेकर के, क्योंकि गाड़ी दहेज में नहीं मिल रही थी इसके वजह से तरह तरह से लड़की को प्रताड़ित करते थे
लड़की को और 11 महीने के बालक को दोनों का का मर्डर करके और उससे छत से लटका दिया गया था। वो देखते ही लग गया था कि ये मर्डर है। बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से ये जानकारी हुई कि थ्रॉटलिंग और स्ट्रैंगुलेशन दोनों का गला दबा करके मार के छत से लटका दिया गया था। उसमें तीनों अभियुक्त जो है गिरफ्तार हो गए, ससुर, लड़का और उसकी माँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।